शहर के छावनी रोड स्थित सैनिक विश्राम गृह में सैनिक कैंटीन का बुधवार को विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। कैंटीन शुरू होने के साथ ही ब्यावर, जवाजा, टाटगढ़ सहित अन्य स्थानों पर निवास करने वाले पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों ने सैनिक विश्राम गृह में संचालित सैनिक कैंटीन पर पहुंचकर अपनी दैनिक आवश्यकता की सामग्री खरीदी। इस दौरान सुबह से ही कैंटीन में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की भीड़ बाहर लगी हुई। इस दौरान कैंटीन के बाहर पूर्व सैनिकों ने कैंटीन शुरू होने पर पूर्व सैनिकों में खासा उत्साह नजर आया। सैनिक विश्राम गृह में सैनिक कैंटीन का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किया जाएगा। सैनिक कैंटीन में घरेलू उपयोग आने वाली सामग्री सहित बैग, सूटकेस तथा बिजली के पंखे सहित अन्य उपकरण भी सैनिक कैंटीन में उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान जेएसकाई की टीम ने उपस्थित पूर्व सैनिक चांग निवासी नैनू काठात ने बातचीत की तो उन्होंने ब्यावर के सैनिक कैंटीन की शुरुआत होने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस कैंटीन की शुरुआत के बाद पूर्व सैनिकों को अब अजमेर, नसीराबाद, जोधपुर तथा अन्य स्थानों पर जाकर अपनी दैनिक आवश्यकता का सामान खरीदने जाना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। काठात ने कैंटीन का पुनः संचालन के लिए सभी सेना के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। वहीं पूर्व सैनिक नरेंद्र पाल पदावत ने बताया कि सभी के सहयोग से सैनिक कैंटीन का पुनः संचालन शुरू किया गया है। पदावत ने सैनिक कैंटीन को पुनः शुरू कराने में सांसद दिया कुमारी का आभार प्रकट किया। पूर्व सैनिक श्रवण सिंह भाटी ने बताया कि विगत लंबे समय से ब्यावर में पुनः सैनिक कैंटीन शुरू करने की मांग की जा रही थी। इसमें राजसमंद सांसद दिया कुमारी के सहयोग से तथा सैनिक अधिकारियों के प्रयासों से ही इस कैंटीन का संचालन पुनः शुरू किया जा सका, जिसके लिए उन्होंने सांसद दिया कुमारी का आभार जताया। इसी तरह से पूर्व नौसैनिक राधा वल्लभ माहेश्वरी ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की करीब 7 से 8 हजार की संख्या है। इस कैंटीन के पुनः संचालित होने से सभी को लाभ मिलेगा, इसके लिए माहेश्वरी ने भी सांसद दिया कुमारी का आभार जताया है। आपको बता दें कि सोमवार को सैनिक कैंटीन को नसीराबाद से आए ब्रिगेडियर अरविंदम मुखर्जी तथा श्रीमती सुबियानी बेगम ने फीता काटकर कैंटीन का शुभारंभ किया था। इस दौरान कैंटीन संचालन के लिए सूबेदार जीतू यादव, हवलदार राजेश कुमार, प्रवीण कुमार लायंस नायक, तुन्नु कुमार नायक, अनिल कुमार तथा जीएनआर मंटू आदि ने अपनी सेवाएं देकर कैंटीन का संचालन किया। इस दौरान पूर्व सैनिक नायक जसवंत सिंह भाटी, कैप्टन जुंझार सिंह, नरेंद्र पाल पदावत, पेंटी ऑफिसर कान सिंह, कैप्टन रामेश्वर प्रसाद, पूर्व नौसैनिक राधा वल्लभ माहेश्वरी, कादर काठा तथा बाबू खान आदि ने कैंटीन संचालन में अपना सहयोग दिया। ये सुविधा कि हमारे कैंटीन के लिए कभी जोधपुर, कभी नसीराबाद, कभी अजमेर जाना पड़ता था, हमारे को ये सुविधा हुआ कि ब्यावर में हमारा कैंटीन खुल गया। तो हमारे जो भी एक सर्विसमैन भाई है उनको बहुत अच्छा फ़ायदा, जैसे बूढ़े हैं, बूढ़ी है, वो नसीराबाद अजमेर का टूर नहीं कर सकते, और अगर जाएंगे तो 300-400 रुपये का किराया होगा। इससे अच्छा हुआ फ़ायदा कि हमारे कैंटीन हमारे ब्यावर में आ गई, और ये शुक्र है उनका जो कैंटीन लाने वाला का, दिव्या कुमारी भारत, जो कैंटीन खुल गई है, बहुत ही हम लोगों को फ़ायदा है। आज कम से कम 80 आदमी करीब मेंबर यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। कुछ क्या है कि इलेक्ट्रिक की वजह से थोड़ी परेशानी है, लेकिन सामान नहीं आया हुआ पूरा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग यहाँ से नसीराबाद जाते पहले, अजमेर जाते पहले, वहाँ भी सामान कभी मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे यहाँ के जो भी इंचार्ज वगैरह है, मैं खुद कमेटी का मेम्बर हूँ यहाँ का, और हम लोगों ने पूरा ये यहाँ करके इसे प्रयास करके ये कैंटीन का पूरा सभी की और योगदान से यहाँ कैंटीन खुली है। सबसे अधिक तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ दीवा कुमारी जी की, क्योंकि ब्यावर के सांसद, राजसमंद के सांसद, उन्होंने अपना पूरा योगदान दे करके हम फौजी भाइयों के लिए बहुत ही मतलब लाई बन। पूर्व सैनिकों, वर्तमान में सेवारत सैनिकों, उनकी विधवाओं से भरपूर क्षेत्र है जहाँ पे कम से कम 7.5-8 हजार की संख्या है। सन 12 से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सन 14 में नसीराबाद एक सैनिक सम्मेलन हुआ था जिसमें हम लोगों ने हमारी मांग रखी थी, और उसके बाद में सांसद दिया कुमारी जी ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करके हमारे इस कार्य को करवाया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जो सैनिक अधिकारी नसीराबाद से आए, ब्रिगेडियर अरिंदम मुखर्जी साहब और वसीम साहब, मेहता साहब, इन सब का भारतीय सेना का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे को पूर्व होने के बाद भी हमारा कल्याण का ध्यान रख रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ब्यावर के अंदर पूर्व सैनिकों की मांग को माननीय
सांसद महोदया राजकुमारी दिया जी ने रक्षा मंत्री जी से विशेष कोटे से ब्यावर के लिए स्वीकृत करा करके आज यहाँ पे इसकी शुरुआत हो चुकी है और सभी को ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो गई है। ये बहुत ही एक ब्यावर के लिए एक नींव पत्थर साबित होगा, क्योंकि पूर्व सैनिकों को इससे पहले कभी उदयपुर, कभी नसीराबाद, कभी अजमेर, कभी पाली जाना पड़ता था। अब जिला भी बन गया है और आज की तारीख में जैतारण, भीम, देवगढ़ और ये पूरे ब्यावर के पूर्व सैनिकों को इस कैंटीन से बहुत लाभ होगा और इनको अनावश्यक अपना समय की बर्बादी भी नहीं होगी और ना ही सड़क की दुर्घटनाओं में इस तरह से उनको परेशान होना पड़ेगा। आम सूचना व्यावसायिक भूखंडों को भव्य नीलामी से क्रय करने का सुनहरा मौका। नगर परिषद ब्यावर द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 शुक्रवार को समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना के निम्नलिखित भूखंडों को ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया द्वारा विक्रय किया जाएगा। नाम योजना व आरक्षित दर ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना आरक्षित दर 7,242 रुपये प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक भूखंड संख्या 24 से 28, क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणा 9 मीटर बराबर 40.5 वर्ग मीटर, प्रारंभिक बोली 25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अमानत राशि 30,000 रुपये। अतः जो भी व्यक्ति उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते हैं वो पोर्टल जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन कर ऑनलाइन अमानत की राशि जमा करवा कर ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार की जाएगी। ई नीलामी की शर्तें पोर्टल पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पोर्टल पर देखी जा सकती है। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर।